आज मैं करने वाला हूँ पबजी बैटरी ड्रेन टेस्ट ऑन वीवो Y12G और देखेंगे भाई कितने देर में ये स्मार्टफोन बैटरी एकदम लो हो जा रहा है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन को मैंने 100% चार्ज कर दिया है और देखेंगे ये स्मार्टफोन कितना ज़्यादा हीट करता है। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मैं नाम अंकित और आप देख रहे हो टेकी अनबॉक्सिंग चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, टेकी अनबॉक्सिंग यूजर नेम है। गेम प्ले स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि जैसे ब्राइटनेस फुल रहने वाला है, जो वॉल्यूम है यहाँ पे वो आपको फुल यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड बैकग्राउंड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चलेगा, तो इसकी वजह से बैटरी थोड़ा स्पीड ड्रेन भी होगा एंड यहाँ पे हो सकता है कि फोन थोड़ा सा ज्यादा हीट करे। एंड बैटरी का बात करोगे तो यहाँ पे 99% आपको चार्ज देखने को मिलता है। देखेंगे भाई कितने घंटा में, मतलब हाउ मेनी आवर में ये बैटरी फुल 10% या फिर जीरो हो जाता है वो देखने वाले हैं। तो फटाफट भाई कुछ स्पेक्स एंड की सबके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपके अमेजोन पे अवेलेबल है विथ नो कॉस्ट ऑफ EMI। मेरे पास जो वेरियंट है 3GB रैम विथ 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। इसका प्राइस है 11,000 रुपीज। डिस्काउंट आपको देखने को नहीं मिलता है। एक और वेरियंट है जो कि इसका वीवो का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं पर अवेलेबल है 3GB रैम विथ 64GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस है 12,000 रुपीज। बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस रखा गया हुआ है एंड ब्राइटनेस देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। स्पेक्स का बात करूँ तो इस डिस्प्ले आपको IPS LCD देखने को मिलता है, 6.51 इंचेस का वाटर ड्रॉप डिस्प्ले है एंड चिपसेट यहाँ पे Qualcomm Snapdragon का 439 देखने को मिलता है। 12 नैनोमीटर का चिपसेट है, तो बैटरी बहुत स्पीड से ड्रेन होगा ऐसा लग रहा है मेरे को। LPDDR का 3GB रैम है, स्टोरेज तो मैंने बता ही दिया। बैटरी का बात कर लेता हूँ, 5000 mAh बैटरी है और भाई इस प्राइस रेंज में आपको सी टाइप देखने को नहीं मिलता है, तो जो कि बहुत बोरिंग वाली बात है। और यहाँ पे फटाफट कुछ स्कोर्स एनऑल के बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मिलता है हम लोगों अंतुदु स्कोर जो कि है 1,39,000। अब ये चिपसेट के हिसाब से क्या बोलूँ मैं, मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से क्या बोलूँ, सीधी सी बात है चिपसेट के हिसाब से तो जो देना चाहिए वो दे ही रहा है, लेकिन इस प्राइस रेंज के हिसाब से बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। अगर मैं बेंचमार्क का बात करूँ तो सिंगल कोर में 172 देखने को मिलता है, मल्टी कोर में 844 एंड यहाँ पे राइडिंग स्पीड भी देख सकते हो, राइडिंग स्पीड आपका 233 MBPS है, राइडिंग स्पीड आपका 109 MBPS देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ आपको स्कोर वगैरह निकल के आता है। तो फटाफट क्या कर लेते हैं, पबजी को यहाँ पे ऑन कर लेते हैं एंड लेट्स सी भाई क्या निकाल के देते हैं। पबजी तो यहाँ पे खुल गया लेकिन हल्का सा मेरे को लैग देखने को मिला खुलने का टाइम में ही। तो फटाफट मैं सेटिंग्स वगैरह का बात करें तो यहाँ पे आपको जायरोस्कोप देखने को, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे जायरोस्कोप देखने को मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा अगर मैं ग्राफिक्स का बात करूँ तो यहाँ पे स्मूथ में मीडियम में गेम प्ले कर पाओगे, लो है या फिर मीडियम है, बैलेंस में मीडियम है, HD सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ पे स्मूथ में हम लोग मीडियम में गेम प्ले करने वाले हैं। खेल लेते हैं भाई, फालतू में ज़्यादा कंप्लेन नहीं करते हैं, लास्ट में मैं आपको बताऊँगा। सो यहाँ पे मैं मैच को भी स्टार्ट कर देता हूँ, इसके साथ में मैं टाइमर को भी स्टार्ट कर देता हूँ एंड जब तक मैच स्टार्ट होता है तब तक टेम्परेचर का बात कर ले। रूम का टेम्परेचर आपको 28 देखने को मिलता है, रात का समय है। और यहाँ पे फोन का अगर टेम्परेचर की बात 34 देखने को मिलता है मैक्स स्क्रीन के तरफ में। लेट्स सी भाई कितना ज़्यादा हीट होता है, कितना देर में भाई बैटरी ड्रेन करके देता है अपने को। भाई ग्राफिक्स आप देख ही सकते हो, मतलब किस टाइप का ग्राफिक्स है, एकदम बिल्कुल भी मज़ा नहीं है, मतलब जो मारने को होता है ना वो भी इतना अच्छा लग नहीं रहा है यार। मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि भाई बहुत बकवास पबजी निकाल के देगा ये। अगर मैं ब्राइटनेस का बात करूँ तो यहाँ पे ब्राइटनेस आपको इनफ देखने को मिलता है, ब्राइटनेस में प्रॉब्लम नहीं है, ग्राफिक्स बहुत थर्ड क्लास है, तो बिल्कुल भी ऐसा मज़ा वाली बात नहीं है। और जायरोस्कोप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, एकदम स्लो मोशन सा जायरोस्कोप देखने को मिलता है। स्पीकर का बात करूँ, स्पीकर भी आपको डिसेंट मिल जाता है, मतलब नॉट बैड, अच्छा ही देखने को मिलता है। प्रॉब्लम इज विद द प्रोसेसर, मतलब अच्छा प्रोसेसर होता तो ज़्यादा मज़ा आता। भाई इस फ़ोन में ना गाड़ी का साउंड ही नहीं आता पबजी में, ये देखना अभी अभी नहीं आ रहा है, ठीक है इतना स्पीड चल रहा नहीं आ रहा है, मैं छोड़ के फिर से दाबूंगा फिर आ जाएगा, ये देखा। अबे यार भाई इसमें गेम बहुत ज़्यादा लैग चल रहा है, मेरे को डर भी लग रहा है खेलने में। स्नैपड्रैगन 439 को आप कंपेयर कर सकते हो मीडियाटेक का हीलियो G25 से कंपेयर कर सकते हो एंड G35 के नीचे में ही आता है, तो हाँ ये इससे आप कंपेयर कर सकते हो इस प्रोसेसर को। देख तेरी गया, बोल ना भाई, चार जन है, चार जन है। अरे निशी को पड़ा,
पर रहा है। अरे बॉट है, बॉट 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 है। को मारो, बॉट को मारो, सो गाइस यहाँ पे 2 आवर हो चुका है पबजी गेम प्ले करते हुए। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले टेम्परेचर का बात करूँ तो रूम का जो टेम्परेचर है 28 देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे जो फ़ोन का टेम्परेचर है हाईएस्ट स्क्रीन के तरफ में 40 देखने को मिल रहा है। और अगर मैं बैक का बात करूँ तो बैक का जो टेम्परेचर है वो मैक्स 40 देखने को ही मिलता है। तो यही टेम्परेचर है। बैटरी का बात कर लेते भाई, बैटरी अभी कितना परसेंट पे आ चुका है। जब हम लोग ने स्टार्ट किया था तब 100% बैटरी था, मतलब 99% था ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे 74, ओके 64 पे आ चुका है, दैट्स कूल। और देखते भाई कितना देर में बैटरी ड्रेन हो रहा है। मतलब मेरे हिसाब से 12 नैनोमीटर का चिपसेट के हिसाब से बैटरी परफॉर्मेंस मेरे को फिर भी ठीक ठाक दिख रहा है भाई ये जो है। इसको अरे बाइक सीधा जाएगा तब तो हम क्या करें। ले तेरी कर के लिए, लेकिन यहाँ पे टोटल 5 आवर 20 मिनट हो चुका है पबजी गेम प्ले करते हुए। भाई साहब क्या ही बोलूँ, मेरे को लगा बैटरी ड्रेन जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें 12 नैनोमीटर का चिपसेट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत तगड़ा ऑप्टिमाइज़ किया है जो भी बोलो। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेम्परेचर को लेके। तो रूम का टेम्परेचर 29 देखने को मिलता है, एंड जो फ़ोन का टेम्परेचर है 38, 39, हाईएस्ट 40 देखने को मिलता है। मतलब 39 आपका हाईएस्ट है, आप ये समझ लो। और बैक के तरफ में भी आपको बता दूँ तो आपको 38 मैक्स टेम्परेचर देखने को मिलता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो मतलब हीट ज़्यादा होता नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हीटिंग इशू तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। सो यहाँ पे बैटरी हो जाता है 7% आफ्टर 5 आवर 20 मिनट के बाद में। तो बैटरी परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा देखने को मिलता है, यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस अच्छा है। दूसरा आपका फ़ोन हीट ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन जो गेम है गेमिंग एक्सपीरियंस वो बहुत ही ज़्यादा गंदा देखने को मिलता है, ढंग का पबजी चलता नहीं है, बहुत ज़्यादा लैग देखने को आपको मिलता है। एंड ऑब्वियसली ये जो प्रोसेसर है उतना कैपेबल है भी नहीं है। और जिस प्राइस रेंज में आता है 11,000 रुपीज़ में आपको ये हैंडसेट देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज है। ये आराम से 8,000 के रेंज में आता तो मैं कंसिडर भी करते, बोलता भी कि अगर देख सकते हो, लेकिन एट जिस प्राइस रेंज में आया ना बिल्कुल भी मत देखना भाई, एकदम ही बोरिंग फ़ोन है। अगर यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आया, कहीं से भी हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को कर दो लाइक और हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि ये सारे हैंडसेट हम लोग खुद से परचेज करके आपके सामने रिव्यू लेके आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।